नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉग इन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। संभल में गर्भवती महिला की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया। महिला की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके ही सगे भाइयों पर लगा। महिला ने अब से 5 साल पहले लव मैरिज की थी, तभी से उसके घर के सदस्य महिला से खुश नहीं थे। महिला का पति काम से बाहर गया हुआ था, घर लौटकर आया तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी थी। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई। बता दें कि सदर कोतवाली इलाके के रहने वाले मनोज कुमार की शादी अब से 5 साल पहले पूजा से हुई थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो दोनों ने घर वालों से छिपकर गुड मैरिज कर ली। ये बात जैसे ही महिला के परिजनों को पता लगी तो उनके परिजन महिला और उसके पति से खुंदक रखने लगे और बात बात पर महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने लगे। लड़की के घर वालों ने युवक और उसके भाइयों पर कोतवाली में लड़की के अपहरण और हत्या की कोशिश धारा 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था, जिसमें युवक सहित उसके भाई लगभग 6 महीने तक जेल में रहे। मगर फिर भी लड़की पक्ष के लोगों के दिलों में नफरत की आग कम नहीं हुई। महिला के पति का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोग उसे और उसकी पत्नी को जान से मारने की धमकी लगातार देते रहते थे। मनोज वीडियोग्राफी का काम करता था, जो कि रात कहीं वीडियोग्राफी करने के काम से अपने 2 साथियों के साथ बाहर गया हुआ था। मध्य रात्रि में जब वह घर वापस आया तो उसकी पत्नी की किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी थी। महिला के पति ने महिला के सगे भाइयों पर भी हत्या का आरोप लगाया। आरोप है कि उन दोनों के शादी करने को लेकर उसके भाई रंजीत मानते थे और उसके भाई लगातार मुकदमेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने महिला के पति की तहरीर के अनुसार मामला दर्ज कर लिया है। अब सवाल उठता है कि जब महिला के भाई जिससे रंजित रहते थे उसको जिंदा क्यों छोड़ा और अपनी सगी बहन को ही मौत के घाट क्यों उतार दिया। फिलहाल पुलिस की माने तो पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही वो मामला सामने आएगा, उसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। महिला 5 महीने से गर्भवती थी और उसका 1.5 साल का बच्चा भी है। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम है मेरा। अच्छे, जो आपकी बीवी की जो हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? ये हत्या हुई है, ये बात हकीकत है। ये हत्या मेरे ससुराल में, मेरे ससुर मेरे साजा ने की है और उसकी इस बिना पे की है। मैंने 5 साल पहले आज से शादी की थी, कोर्ट मैरिज किया था उनकी मर्जी के खिलाफ, लड़की ने भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज किया था। तो उसी दिन से वो रंजित रखने लगे और उन्होंने बीच बीच में धमकी भी दी कि बोले तुम्हें किसी ना किसी दिन जान से मार देंगे दोनों। अच्छा, उन्होंने आज ये करके दिखा। मैं कल शादी में था, इनकी शादी थी, गाँव की शादी। गाँव की शादी में क्या होता है, लेट होता है प्रोग्राम, लेट हो जाता है। 8 बजे से बुलाया था मैं अपने 2 साथियों के साथ। रात को जब वापस आया 1 बजे तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। मैंने आवाज़ नहीं सुनी तो मैंने ऊपर जाकर देखा तो इस अवस्था में मेरे पास मृत अवस्था में थी। तो शरीर पे कहीं चोट के निशान थे इनके? गले पर। तो किसी से बार क्या हुआ था शरीर पर? ये तो मैं नहीं कह सकता, किसी से बार अलग अलग गले पर निशान, चोट उठ के निशान थे। अच्छा, तो अब इसमें आपने पुलिस पहुंची थी तो इसमें आपने तहरीर वगैरह दे दी थी आपने? जी। किसी के खिलाफ दी है? अपने ससुर के खिलाफ, अपने 2 सालों। अच्छा, बच्चे हैं आपके? एक बच्चा, 1.5। मामला ही कौन थी आपकी? ये छोटा भाई है, उसकी वाइफ। कैसे हत्या हुई इनकी, क्या मामला पूरा? अच्छा, वहाँ ये फोटोग्राफी करने के लिए जाता है, मनोज वीडियोग्राफी का काम करता है। शादी में गया हुआ था, इसके साथ दौड़ के और गए हुए थे तीनों जने। कहते जब रात वापस आई है तो मतलब कमरे का गेट वेट खुला हुआ था और ये ऊपर गए तो लड़की मतलब मर्डर हो चुका था। फिर आपने पुलिस को सुना दी? आप कब आए हुए? हम तो बाद में आए थे, हम
मतलब वहाँ पे रहते हैं ना रेलवे स्टेशन के पास। अच्छा। घर पे रहते हैं हम, मतलब वहाँ पे घर है, यहाँ पे ही किराए पे रहता है मनोज। अच्छा। ठीक है, फिर मतलब हमने जैसे ही हमें पता लगा, हमने 100 नंबर पुलिस को कॉल करा, फिर पुलिस को भेजने दी, उसके बाद यहाँ पे आए। आपका नाम क्या, आप क्या करते हैं? पीयूष नाम है मेरा, मैं तो आईडिया में काम करता हूँ, आईडिया कंपनी। लड़की जिसकी हत्या की गई, इसका नाम पूजा है, इसके पति का नाम मनोज सैनी है, और ये मनोज वीडियोग्राफर का काम करते हैं साथियों में। कल ये बैजोई के पास मऊ गांव में गए थे अपने दो साथियों के साथ वीडियोग्राफी करने, और वीडियोग्राफी का जो काम समाप्त करने के बाद ही आज सुबह लगभग 1 बजे के आसपास जब आए तो दरवाज़ा नॉक किया उन्होंने, तो ऊपर जो इनकी पत्नी रहती थी उसकी कोई आवाज़ नहीं आई, और दरवाज़ा जब उन्होंने थोड़ा सा खड़खड़ा तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था अंदर से। ये ऊपर गए, देखा तो इनकी पत्नी अपने चारपाई पर मृत स्थिति में पड़ी हुई थी, जिसके गले पर वो दबाने जैसे निशान थे। हत्या प्रतीत होती है सब देखकर? हाँ, निश्चित तौर पर ये हत्या का ही केस है। तहरीर किसके नाम प्राप्त हो रही है उन लोगों की? लड़की के पति ने जो तहरीर दी है सर, उसमें क्या